वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज या रज्जोनिवृत्ति के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। इस वीडियो में हम 25 मेन सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है मेनोपॉज की शुरुआती से पहले क्या होता है कि पीरियड जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीरियड क्या होता है, काफी बार टाइम से पहले आते हैं, काफी बार टाइम के बाद आते हैं और साथ साथ में इसमें ब्लड की मात्रा भी कम ज्यादा हो जाती है। दूसरा होता है वेजाइनल ड्राइनेस यानी का सूखापन। उसके अलावा लो सेक्स ड्राइव, सर में दर्द होना, जोड़ों बदन दर में दर्द, शरीर का वजन का बढ़ना, साथ में पाचन संबंधी समस्याएं मुख्य होती हैं। उसके अलावा मसूड़ों के साथ समस्याएं, हाथों पैरों में झनझनाहट, सर चकराना, सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, उसके अलावा बहुत ज्यादा थकान, याददाश्त में कमी, चिंता। उसके अलावा बहुत महिलाओं में क्या होता है, एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है उनको खाना हजम नहीं होता है, या शारीरिक एलर्जी भी हो सकती है। साथ साथ में क्या होता है कि जो शरीर की गंध होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। बहुत महिलाओं में घबराहट वगैरह की समस्या देखी जाती है। साथ में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कमजोर होना एक बहुत कॉमन समस्या है। साथ में कुछ महिलाओं में मेनोपॉज की शुरुआत से पहले क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगना, रात को पसीना आना, उनकी ड्राई स्किन होना, स्किन में बहुत ज्यादा खुजली मचना या सूजन समस्या हो सकती है। उसके अलावा जीभ में जलन और बालों की कमी या बालों का झड़ना भी एक बहुत कॉमन समस्या होती है। सो मेनोपॉज से रिलेटेड अगर आपकी अन्य क्वेरी है तो आप मेरे अन्य वीडियो भी मेनोपॉज के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।